दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ नागपुर के संविधान चौक पे, जहाँ डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की बहुत ही बड़ी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे नागपुर शहर का सबसे बड़ा डीजे लगता है और इस बार महाराष्ट्र में सबसे बड़ा डीजे नागपुर के संविधान चौक पे लगने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस जगह जो भी परिसर है सारा का सारा दिखाने वाला हूँ कि अभी तैयारी जो है किस प्रकार से स्टार्ट है। और अभी से ही आज की है 12 तारीख और 12 तारीख से दोस्तों यहाँ पे इतना जोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट है, दोस्तों आपको क्या ही बताओ। तो दोस्तों अभी मैं हूँ डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा के पास, तो यहाँ पे पहले हम अभिवादन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग करते स्टार्ट। तो चलिए आज मैं यहाँ पे जितना भी परिसर है आपको सबका साथ दिखाता हूँ। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे से आपको जितना भी परिसर है सभी दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि ये संविधान चौक पे हूँ अभी मैं, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जितना भी पेंटिंग का काम है अभी जोरों से स्टार्ट है। अभी हर यानी जितना भी यहाँ का परिसर है पूरे परिसर को यहाँ पे पेंट किया जा रहा है। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो कलाकृति है, देखिए ये है काठमांडू, यहाँ पे लिखा है 1956 काठमांडू जागृति बौद्ध परिषद। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी पेंटिंग स्टार्ट है, हम हाथ नहीं लगा सकते बट काफ़ी खूबसूरत है। चलिए मैं आपको और भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान की जो पुस्तक है जो नेहरू जी को दे रहे हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई है। और यहाँ पे भी अभी पेंटिंग ही स्टार्ट है, आप देख सकते हो उस साइड में पेंटिंग स्टार्ट है। और जितना भी परिसर है अभी दोस्तों जब 13 तारीख की नाइट आएंगी ना यहाँ पे जो देखने का माहौल होगा कुछ अलग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में पब्लिक होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैचू इक्वलिटी लिखा है। तो यहाँ पे आप देखिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमाएँ दर्शाई गई है और काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है और इसे भी अभी जस्ट पेंट किया गया है। तो चलिए और भी देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे देखिए 14 तरह का जो सत्याग्रह हुआ था, महाड़ का सत्याग्रह कहते हैं हम इसे, तो यहाँ पे वो प्रतिमा दर्शाई गई है। और चलते हैं देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे और भी। सो दोस्तों यहाँ पे आप जब 13 तारीख को आओगे ये जितना परिसर आपको ये जितना ट्रैफिक दिख रहा है ये सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ से गायब होता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आपको नीले ही नीले देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए भारत का जो संविधान है वहाँ की प्रीतियाँ यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बांस बल्ली जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का काम स्टार्ट है। और इस साइड में भी जो है पेंडाल जहाँ पे ढोल तासे जो भी कुछ है यहाँ पे रहेंगे। और इस साइड में भी देखिए आप पेंडाल लग रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में यहाँ पे नागपुर का सबसे बड़ा डीजे लगने वाला है, जो कि नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डीजे होने वाला है। और दोस्तों साइड में आप जो ट्रैफिक देख रहे हो इसे थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो वीडियो है आज का बहुत ही ज़ोरदार होने वाला है। चलिए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो अभी काम स्टार्ट ही है और काम बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट है। सो ये है दोस्तों मेन संविधान चौक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो काम है वो स्टार्ट ही है। और LED वॉल और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट लगाने का काम यहाँ पे स्टार्ट ही है। और साथ ही साथ फ्लाई और ऊपर आप मेट्रो देख सकते हो। तो यहाँ पे जो माहौल होने वाला है 13 तारीख का दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षित होने वाला है। और यहाँ पे आप बैनर देख सकते हो, बैनर डिस्प्ले का भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यहाँ से आप देखिए बहुत ही बड़ा बैनर है। और इस साइड में मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगने वाला है पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डीजे। और ये जितना परिसर आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रैफिक जो जमा होता है रात को 11 बजे और 12 बजे यहाँ पे ऐसा नज़ारा होता है दोस्तों आपको क्या ही बताऊँ। लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आता है और पूरे नागपुर शहर से जितनी भी रैलियाँ है यहाँ पे ही इकट्ठा होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक भी है, जिसको 13 तारीख की नाइट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो मेट्रो का पुलिया देख रहे हो, इस पुलिया के ऊपर भी जो लेजर लाइट का जो शो है वो भी ये पुलिया के ऊपर किया जाता है। और अभी यहाँ की आप तैयारी देखिए, आज की 12 तारीख है दोस्तों और 12 तारीख से तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो डीजे का सेटअप है उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे LED वॉल लग रही है, ट्रस लग रहा है। और मुझे यहाँ से ऐसी खबर आई है कि पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डीजे यहाँ पे लगने वाला है। तो सोचिए दोस्तों कि 13 तारीख की नाइट कितनी खतरनाक नाइट होने वाली है। और इस साल की जो 14 अप्रैल है पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में गूंजेंगी।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, मैंने आपको जितना भी यहाँ की तैयारी है सारे आज का ब्लॉग में दिखा दिया हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि 13 तारीख की नाइट को भी हम आएंगे और यहाँ का वीडियो शूट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय भीम।